इस परिवार का जो अगला गुण हम देखेंगे, ऋण विद्युता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो किसी भी तत्व द्वारा जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ग्रहण किया जाता है या किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता या जो प्रवृत्ति है वो इसकी ऋण विद्युता कहलाती है। या इसे हम परिभाषित करते हैं तो जो दो तत्व आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है किसी भी तत्व की, तो वही उसे ऋण विद्युती बनाती है, अधिक ऋण विद्युती बनाती है। चूँकि इस परिवार के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है तो इसमें ये क्षमता ज़्यादा होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, न कि ये गुण होता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, क्योंकि कोई भी तत्व इसे 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़्यादा होती है, ना कि ग्रहण करने की। तो इस परिवार की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो बहुत ही कम होता है। अगला हम देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। तो इस परिवार का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्रिस्टल जालक में इसके जो परमाणु होते हैं वो दुर्बल धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, तो इस कारण से इनका गलनांक क्वथनांक भी कम होता है। और धात्विक बंध की जो शक्ति होती है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो वो कम होने लगती है। तो गलनांक और क्वथनांक का मान भी आप देखिए इस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं के बंध की जो शक्ति है वो यहाँ पर दुर्बल होने लगती है, तो आसानी से ये बंध टूट सकते हैं, तो कम ऊर्जा देने पर ही ये टूट जाएंगे। तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पर जो गलनांक और क्वथनांक है दोनों का मान आप देखिए कम होने लगता है। अब हम देखेंगे घनत्व या डेंसिटी। तो पूरे आवर्त सारणी में ये माना जाता है कि ये बड़े आकार के होते हैं, क्षार धातुओं का जो घनत्व है वो कम होता है। और क्षार धातुओं में जो घनत्व की बात हम करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर ये घनत्व जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इस परिवार में तो हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो द्रव्यमान के साथ साथ जो परमाणु आकार है वो भी बढ़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर घनत्व का मान इस परिवार में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एक अपवाद होता है, पोटेशियम का घनत्व जो है वो सोडियम से कम होता है। लेकिन आप यहाँ मार्क करिए कि जो सोडियम का घनत्व है वो पोटेशियम से अधिक है, तो पोटेशियम के घनत्व के कम होने का कारण इसके परमाणु त्रिज्या में असाधारण रूप से जो वृद्धि होती है, मतलब सोडियम और पोटेशियम के परमाणु त्रिज्या को यदि कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या असाधारण रूप से बढ़ती है, इस वजह से इसके घनत्व का मान कम होता है। अगला हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस परिवार में बाह्यतम कोश में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे ये आसानी से त्याग देते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनका जो अपचायक गुण है वह भी अधिक होता है। अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी दूसरे पदार्थों को ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। तो ये अच्छे अपचायक गुण वाले तत्व होते हैं क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान हमने देखा कि कम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए लिथियम उच्च आयनन एंथैल्पी दर्शाता है, लेकिन जैसे जैसे हम सोडियम से सीजियम तक जाते हैं तो अपचायक गुण में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। तो इस परिवार में जो अपचायक गुण है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाएगा। अगला गुण है जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्षार धातुओं की जो जल योजन एंथैल्पी का मान है वो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यह मान घटता जाता है। जल योजन एंथैल्पी एवं परमाणु आकार में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, जैसे जैसे आयनों का आकार बढ़ता जाएगा जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। अब ये जल योजन एंथैल्पी क्या होती है? तो जब भी किसी धातु आयन का जो जलीय माध्यम होता है वे जल के अणुओं के साथ संगुणित हो जाते हैं, अर्थात जल के अणु उसमें जुड़ने लगते हैं, तो जल के अणु के जुड़ने से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है यह ऊर्जा कहलाती है जल योजन एंथैल्पी या जल योजन ऊर्जा।
क्षार धातुओं का हमने देखा कि क्षार धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो M प्लस आयन बनाते हैं, और ये M प्लस आयन जब जल के अणुओं के साथ जुड़ते हैं तो M एक्वस सॉल्यूशन बनता है, अर्थात जली विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस एंथैल्पी को ही कहते हैं जल योजन एंथैल्पी। इस एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, क्योंकि परमाणु या आयनों का जो आकार है वह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो जल के अणुओं को संगुणित करने की जो क्षमता है वह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाएगी। लिथियम आयन का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये जल के अणुओं को संगुणित कर लेते हैं और क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं जल के अणुओं के साथ। तो LiCl.2H2O के रूप में ये पाए जाते हैं, लेकिन NaCl जो है वो जल योजित नहीं होते हैं, यानी उसमें जल के अणु जुड़ने की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि सोडियम आयन का आकार लिथियम आयन की तुलना में बड़ा होता है। जलयोजन एंथैल्पी में जैसा हमने देखा कि आयनों का आकार बढ़ेगा तो जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता जाएगा। तो लिथियम आयन की जो जल योजन एंथैल्पी है वो सबसे अधिक होगी ग्रुप में, और जो सीजियम आयन है वो सबसे अंत में है। तो फ्रेंशियम जो कि रेडियोधर्मी है तो उसे हम अलग ही विशिष्ट एक स्थान देते हैं। तो सीजियम से अगर हम तुलना करेंगे तो सीजियम के लिए जो जल योजन एंथैल्पी का मान है वो सबसे कम होगा। क्षार धातुएँ नरम होती हैं, हल्की होती हैं और चांदी के समान सफ़ेद होती हैं। अब हम देखेंगे ज्वाला के साथ रंग। क्षार धातुओं की पहचान की जा सकती है ज्वाला के साथ भिन्न भिन्न रंग देने के कारण, यानी जब क्षार धातुओं को ज्वाला परीक्षण किया जाता है तो ये अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। जैसे लिथियम किरमिजी लाल रंग देता है, सोडियम पीला रंग देता है, पोटेशियम ज्वाला के साथ बैंगनी रंग देता है, इसी प्रकार रुबीडियम लाल बैंगनी रंग देता है, और जो सीजियम है वह नीला रंग देता है। इनके रंग प्रदान करने का कारण क्या है? तो जब इन क्षार धातुओं को ज्वाला में गर्म किया जाता है तो ज्वाला से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को ग्रहण करके इसके बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर वो अस्थायी हो जाते हैं और तुरंत अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और मूल अवस्था तक पहुँचते हैं। तो ये जो ऊर्जा अवशोषित किए नीचे से ऊपर तक गए और तुरंत अपनी ऊर्जा को विसर्जित किए और तुरंत मूल अवस्था तक पहुंचते हैं, तो यही जो अवशोषित ऊर्जा थी उसी को वह विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और यही विकिरण जो है वो दृश्य क्षेत्र में अलग अलग रंग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो जिस तत्व के द्वारा जितनी ऊष्मा या जितनी ऊर्जा विकिरित की जाती है वही दृश्य प्रकाश में अलग अलग या विशिष्ट रंग उसे देते हैं। इसी वजह से सोडियम पीला, लिथियम किरमिजी लाल रंग और पोटेशियम बैंगनी रंग देते हैं, जैसा कि हमने देखा। क्षार धातुओं में प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण भी पाया जाता है। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी धातु को दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, यानी जैसे ही उसमें प्रकाश विकिरण पड़ता है या फोटोन की ऊर्जा पड़ती है, तो चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम संख्या में होते हैं बाह्यतम कोष में, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित हो सकते हैं। इसी प्रभाव को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो लिथियम के लिए यह मान बहुत ही कम होगा, लिथियम प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाएगा, क्योंकि लिथियम के अतिरिक्त जितने भी तत्व होते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शा पाएंगे, क्योंकि लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होता है, आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। बाकी सभी जो क्षार धातुएं हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है वो कम होता है, आकार में वृद्धि होती है इस वजह से। तो इन तत्वों को जब प्रकाश द्वारा विकृत किया जाता है तो प्रकाश अवशोषण के कारण इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, अर्थात ये पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इसी कारण से सीजियम और पोटेशियम
इसका प्रयोग जो है वो प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। तो धातुओं के पृष्ठ से प्रकाश के फोटोन का पड़ना और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसी प्रभाव को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जिन तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान कम होगा वे इस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे इस परिवार के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। तो इनके रासायनिक गुणों का जो आधार है वह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इनका, इनकी परमाणु त्रिज्या का अधिक होना, साथ ही इनके आयनन ऊर्जा का कम होना, कि ऋण विद्युतता का मान कम होना, ये सारा एक मुख्य आधार होता है इसके रासायनिक गुण के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। तो क्षार धातुएं जब वायु के साथ क्रिया करती हैं तो इस पर एक मलिन लेयर बन जाता है, ये मलिन हो जाती हैं, धूमिल पड़ जाती हैं, और वायु की उपस्थिति में ये ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है इसके ऊपर, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं, लिथियम सोडियम मोनोऑक्साइड और परऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अन्य जो क्षार धातुएं होते हैं वो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सुपर ऑक्साइड जैसे O2- बड़े धनायनों जैसे कि रुबीडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, इसकी उपस्थिति में इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये किस प्रकार से ऑक्साइड का निर्माण कर, इसके कुछ उदाहरण हम जानेंगे। 4Li+O2=2Li2O। तो ये लिथियम के साथ ऑक्सीजन या वायु के साथ लिथियम जब क्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सोडियम 2Na+O2=Na2O2, ये परऑक्साइड निर्माण करते हैं। इसी तरह से यदि हम दूसरे जो बड़े आयन्स हैं जैसे रुबीडियम पोटेशियम या सीजियम लेंगे तो M+O2=MO2 जो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम। लिथियम आयन का आकार बहुत छोटा होता है, तो लिथियम के चारों तरफ एक प्रबल धनावेशित क्षेत्र होता है, और लिथियम आयन के आकार के कम होने के कारण जो प्रबल धनावेशित क्षेत्र बना है तो यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन होंगे O2- तो ये उससे ही ये स्थायी होंगे, अर्थात ये जो O2- होंगे उनका भी प्रबल ऋणावेशित क्षेत्र होगा, तो ये भी छोटे आकार के ऑक्साइड होंगे। तो लिथियम आयन को O2- स्थायित्व प्रदान करता है। इसी प्रकार जो सोडियम आयन है Na+, उनका आकार बड़ा होता है और इनके चारों तरफ एक दुर्बल धनावेशित क्षेत्र होता है, तो इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो परऑक्साइड आयन होते हैं O2-, वो इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके बाहरी क्षेत्र में एक दुर्बल ऋणावेशित क्षेत्र कार्य करने लगता है। तो सोडियम आयन को O2- स्थायित्व प्रदान करेगा और लिथियम आयन को O2- स्थायित्व प्रदान करता है। इसी प्रकार जो बड़े आयन पोटेशियम सीजियम रुबीडियम जो हैं, जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ये O2- के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। लिथियम वायु के साथ भी क्रिया करता है, वायु में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तो ये ऑक्साइड बनाते ही हैं, लेकिन जब ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्राइड भी बना लेते हैं। क्षार धातु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जल के साथ क्रिया कर पाते हैं, वायु से तुरंत क्रिया कर लेते हैं। इनकी अत्यंत क्रियाशीलता के गुण के कारण ही जो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया, ये जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और डाइहाइड्रोजन बनाते हैं। तो जल के साथ क्रिया करने पर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ती जाती है जल के साथ इसकी क्रियाशीलता, तो ये अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया प्रदान करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होगी, तो जल के साथ इसकी जो क्रियाशीलता है वो भी बढ़ेगी। चूँकि इस परिवार की जो क्रियाशीलता है वो उच्च होती है और जैसे जैसे वर्ग में नीचे आएंगे वो भी क्रियाशीलता और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ये सब जल के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और विस्फोट के साथ ये जलने लगते हैं। तो जब ये धातु जल के साथ क्रिया करते हैं
तो जल के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो इसे हम कॉमन रूप से लिख सकते हैं 2m प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2m प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस H2। लिथियम के लिए जो E0 का मान है वो अधिकतम ऋणात्मक होता है, तो इसलिए लिथियम जो है वो एक अच्छा अपचायक तो होता है, लेकिन ये जल के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं। सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। भले ही सोडियम के लिए E0 का मान कम ऋणात्मक होता है, फिर भी लिथियम कम क्रियाशील होते हैं। यहाँ जब हम इसके हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना करते हैं या हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से जो इसका क्षारीय स्वभाव है उसकी तुलना करेंगे, ऊपर से नीचे आने पर चूंकि आयनों के आकार में वृद्धि होती है तो जो डिस्टेंस होगा या जो बंध होगा वो आयन और हाइड्रोक्साइड के बीच का जो दूरी होगा, उनके बीच का आकर्षण बल होगा वो दुर्बल होगा, तो OH माइनस देने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर इन हाइड्रोक्साइडों का जो क्षारीय स्वभाव है उसमें वृद्धि होती जाती है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से अधिक क्षारीय होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे अधिक क्षारीय होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रूबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारीय गुण है वो भी बढ़ते जाते हैं।